डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केरला रसोई इन हिंदी। ये आज मैं आपके लिए लेकर आए हैं तेज का पत्ते में बनाते केरला स्पेशल तेरली। ये खाने के लिए बहुत टेस्टी है और बनाने के लिए काफी इजी भी है। और ये मेरा घर का ही पेड़ है, इतना अच्छा खुशबू आता है इसका और ये बनाने से आपको 4 दिन तक ये खराब नहीं हो जाएगा। चलिए देखिए ये कैसे बनाते हैं। और इसके साथ हमें चाहिए केला, गुड़, नारियल थोड़ा पीस काट के भी रखना है और थोड़ा सा रगड़ के भी रखना है। और इसके बाद घी। और आटे में बनाना है तो आटे से होगा, चावल का पाउडर से चाहिए तो चावल का पाउडर से भी हो जाएगा। अगर दोनों मिक्स करके आधा नारियल आधा चावल का पाउडर और आधा आटे से बनाना है तो वो भी हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। पहले पत्ते को पूरा साफ करके रखना है, धोना पड़ेगा। धो के साफ कर लिया, इसके बाद ये केला, एक हर का केला है। इतना ज़्यादा केला नहीं चाहिए, वो हमारा इसमें पानी नहीं डालना चाहिए, वो इसका कंसिस्टेंसी जैसे हमें केला डाल सकते हैं। अगर 1 किलो चावल का पाउडर से बनाने हैं तो 1 किलो से 1.5 किलो तक केला चाहिए। वो छोटा केला, बड़ा केला ऐसा होगा, इसलिए वो बोल नहीं सकते। और इसके साथ में मैं गुड़ अभी छोटा पीस काट के रखा है, नारियल भी पीस काट के रखा है। अभी एक कढ़ाई थोड़ा गर्म करके घी डाल दिया। घी में जो अभी फ्राई करने के लिए नारियल का पीस रखा था वो डाल दिया और ये अच्छे से फ्राई करना है। फिर नारियल है, नारियल को ऐसे ये हम लोग नारियल निकालने का ही एक चीज है, इससे नारियल ऐसे निकाल देते हैं। और गुड़ के ऊपर से नारियल डाल दिया। नारियल में कुछ नारियल का ऊपर का कुछ आ गया वही मैं निकाल दिया। और इसके बाद साथ साथ रखा है ये घी में रोस्ट करने के लिए नारियल का पीसेस। नारियल में एक नारियल का पूरा इसे मैं डाल दिया और इसके बाद ये फ्राई हो जाएगा, वो भी डालना है। तब तक जो केले का छिलका निकाल के रखा था वो मैं मिक्सी में थोड़ा पेस्ट कर रहा है, नहीं तो हाथों से मिक्स करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। मिक्सी में इसे पेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। और केला का पेस्ट पल्प भी इसी में डाल दिया, जो पहले फ्राई कर रहे थे नारियल का पीसेस वो भी डाल के अच्छे से मिक्स करना है। हमें कितना वाटर कंसिस्टेंसी चाहिए ऐसे केला डाल सकते हैं, कितना मीठा चाहिए ऐसे गुड़ भी आपको चेंज कर सकते हैं। अगर गुड़ पसंद नहीं है, चीनी में बनाना है तो चीनी में भी हो जाएगा, लेकिन ये तेरले के लिए बहुत टेस्टी गुड़ में ही है। गुड़ और केले का ही वो फ्लेवर है और साथ में तेज का पत्ते का और थोड़ा सा इलायची मैं पाउडर करके डाल दिया। अभी मैं आटा में ही कर रहे, जेव का आटा है, आटा थोड़ा थोड़ा डालना। एक साथ डालने से हमें पता नहीं चलेगा कितना उसका कितना टाइट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ही डाल दिया। फिर वो अच्छे से मिक्स होने के बाद बाकी डालना है। अच्छे से मिक्स करना है, तभी ये केला का पल्प है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से मिक्स करना, तभी ये गुड़ का और केला सारे जगह अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसमें बिल्कुल ऑयल नहीं है। अगर घी भी आपको पसंद नहीं है तो घी नहीं डालना, ऐसे ही नारियल काट के डाल सकते हैं। घी डालने से क्या होगा, इसमें से अच्छा फ्लेवर आता है। और ये स्टीम से ही बनाते हैं और इसलिए इसमें बिल्कुल तेल नहीं है और एकदम हेल्थी रेसिपी है और बनाने में भी बहुत इजी है। थोड़ा सा अभी बैटर लूज है इसलिए थोड़ा और आटा डाल दिया। केला भी मीठा है और गुड़ इसी का जैसे हमें डाल सकते हैं। केला इतना मीठा है
वही देख के गुड़ डालना पड़ेगा। ये ज़्यादा मीठा चीज़ नहीं है, वो एक मीडियम मीठा है, मतलब ज़्यादा इसमें मीठा नहीं चाहिए। ज़्यादा टाइट भी नहीं चाहिए आटा, और रोटी का इतना टाइट नहीं रखना, रोटी से भी थोड़ा सा, रोटी के लिए आटा सजाते हैं ना, उतना टाइट नहीं चाहिए और थोड़ा सा इससे लूज चाहिए। अभी ये आटा रेडी है, देखिए रोटी के लिए बनाते हैं या पूरी के लिए बनाते हैं, उतना टाइट नहीं है, थोड़ा सा लूज है। ये पानी बिना सारे केले का पल्प से और गुड़ से अच्छे से मिक्स हो गया। अभी ये इसका कंसिस्टेंसी ठीक है। अभी ऐसे थोड़ा थोड़ा लेके और पहले जो साफ करके रखा था पत्ता, तेज का पत्ता, उसी में बनाना है। इससे पहले मैं इडली का बर्तन में पानी डाल दिया, पानी डाल के एक इडली का स्टैंड भी रख दिया। फिर एक एक पत्ता लेके इसका साइड में थोड़ा सा रखना, फिर इसको फोल्ड करके और एक पीस रखना है, फिर इसको बंद करना है। एक पीस रख दिया, फिर इसको कोने से लेकर ऐसे इसको फोल्ड करना है। ये फटाफट हो जाएगा, ये ज्यादा काम नहीं है, इसी से हो जाएगा। ये 2-4 दिन तक खराब नहीं हो जाएगा, फ्रिज में रखने का जरूरी नहीं है, ये ऐसे ही खराब नहीं होते। बहुत टेस्टी है और इसका फ्लेवर है, इतना अच्छा फ्लेवर आता है और खाने के लिए फ्लेवर से ही हमें पसंद आएगा, इतना टेस्टी है। फिर ऐसे पूरा इडली बर्तन में रख दिया और साथ में 2-3 पत्ता और रख देते हैं, क्योंकि पत्ते का ही फ्लेवर इसमें ज़्यादा आ जाएगा। और इसको बंद करके पकाना है, गैस में चाहिए तो गैस में, मैं अभी लकड़ी का चूल्हे में ही बना रहे हैं। ये बहुत टेस्टी रेसिपी, इसी रेसिपी आप भी जरूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आप कोई मेरा चैनल में नया आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रेसिपी का कमेंट भी आप जरूर दीजिए, और वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फिर से हम मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।